तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है मोटो खबरी और हमेशा की तरह मैं लाया हूँ हमारे इंडियन मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अभी भी 71% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो देखते तो है लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, तो अगर आप उन लोगों में से हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लिटरली कुछ नहीं जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज 21st of March और आज राजा डीसी का बर्थडे भी है, तो मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ब्रदर, मे गॉड ब्लेस यू। बढ़ते हमारी फर्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि एरिया आमिर माजिद की साइड से। तो अगर आपको याद होगा, कुछ महीने पहले वो पीर की गली गए थे जेड एक्सटर्नल लेने से पहले, जहां पे उन्होंने मन्नत करी थी कि वो जेड एक्सटर्नल लेके वापस उधर आएंगे। फिर जेड एक्सटर्नल लेने के बाद में बड़ी सारी ऐसी चीजें हो गई, उनकी लड़ाई वगैरह हो गई, जिसके बाद में उनको अपनी जेड एक्सटर्नल सेल करनी पड़ी। तो उन्होंने अपने कल वाले व्लॉग में बताया कि उनके साथ पिछले दिनों से ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है जो कि उनको रिमाइंड करा रही है कि उनको नई बाइक लेके अपनी शादरा जाना चाहिए। बिकॉज ये जो इंसिडेंट हो रहा है ना, बुरान भाई भी कह रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो तुझे खींच रही है भाई, कहीं यहाँ से निकल जल्द से जल्द। बाइक अभी स्टार्ट हो गई है, तो मैं रीजन बता देता हूँ। रीजन कोई भी नहीं है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे लाई, यहाँ पे देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मुझे नहीं पता इसमें क्या हुआ। मैंने कल अपन शादरा निकल रहे हैं। और उन्होंने अपने वीडियो के लास्ट में बताया कि वो इंस्टाग्राम पे 500 के फॉलोअर्स कंप्लीट होने के बाद में एक न्यू मशीन लाने वाले हैं। मैं आपको थोड़ी क्लिप दिखाता हूँ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। एंड सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, विद इन 20 डेज डिलीवरी होने वाली है। हमारी लाइफ का, मेरी और आयरा का बहुत बड़ा डिसीजन है भाई, मैंने कभी लाइफ में ऐसा सोचा भी नहीं था। बाकी तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसे आपको पता IPL शुरू होने वाला है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह, आप लोटस 365 पे अपनी ओपिनियन देके बहुत सारे रिवॉर्ड जीत सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसे कौन मैच जीतेगा और कौन टॉस जीतेगा, और ऐसे 50+ क्वेश्चन रिलेटेड होने वाले क्रिकेट से। आपको बस लोटस 365 पे साइन अप करना है और आपको 365 रुपीस का बोनस मिलेगा, वो भी फ्री में। यहाँ पे आपको 1-to-1 24 hours का कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है। 1 crore से भी ज्यादा लोग यहाँ पे रोज गेम खेल रहे हैं और खूब सारे रिवॉर्ड जीत रहे हैं। यहाँ पे आपको क्रिकेट के साथ साथ 200+ और गेम्स मिलेगी, जहाँ पे आपको बस गेस करना है और आप जीत सकते हो बहुत सारे आकर्षक इनाम। बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, काजल अग्रवाल, सुनील शेट्टी, उर्वशी रोटेला एंड नेहा शर्मा। सो गाइस, आप किसका वेट कर रहे हैं, अभी साइन अप करें lotus365.in पर। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। अगली अपडेट भी आमिर माजिद से रिलेटेड होने वाली है। तो बिग डील की साइड से परसों एक वीडियो आउट हुआ था, जहां पे उन्होंने बताया कि आमिर माजिद ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वो अपनी ZX-NR यानी लाइगर को वापस लाएं। मैं और मेरा भाई ड्रैगन 3.0 पे और हम आ गए अपने घोस्ट पे। इसने जिसको लाइगर बेची थी ना, उस भाई ने वापस कावासाकी में लाइगर बेच दी है, तो इसका शायद प्लान बन रहा है लाइगर भी वापस लाने का। अभी आइडिया नहीं है मुझे। नेक्स्ट हम बात करने वाले जानू स्टंट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट कर लिया 500K सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube। और कल उनकी साइड से भी एक ब्लॉग आउट हुआ, जहां पे उन्होंने ओल्ड वाली S1000RR की राइड ली है। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूं। ओ भाई, विली होगी भाई, अपने आप। ओ भाई साहब, ओ क्या उठी भाई बाइक आगे से। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आलियान राइडर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, उन्होंने रिसेंटली न्यू KTM RC 390 परचेज करी है, तो उनकी साइड से भी ब्लॉग आउट हुआ, जहां पे उन्होंने रिव्यू दिया इस बाइक का। लीन आने वाला है यार, तो चलो यार लीन करते हैं। ओ हो हो हो, पावर चेक कर रहे हो अंकल, थोड़ी सी जगह तो लीन करने की। क्या बात है यार, क्या बाइक है यार, क्या बाइक है, मक्खन। लीन चेक करो गाइस, लीन चेक करो भाई, जमीन पे आ जाता हूँ मैं। गाइस, इस बाइक का माइलेज टेस्ट भी करेंगे यार इसकी। एनीवेज, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है जट प्रभजोत पाजी की साइड से। तो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम उन्होंने अपनी एक्सीडेंटल S2 को स्टार्ट करा है। मैं आपको थोड़ी क्लिप दिखा देता हूँ, और उन्होंने वीडियो में ये भी बोला है कि उनकी S2 कब तक रेडी हो जाएगी। सिर्फ 3 बारी मैंने ड्राइव किया, लेकिन भाई वही आवाज, मतलब दिल को ना शांति मिल गई है। अब इसके पार्ट्स का इंतजार है, काफी पार्ट्स आ भी चुके हैं। यहीं पड़े, कहाँ पड़े हैं वो जो आए हुए हैं? कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो कुछ यहाँ पड़े, एक दो आपको दिखा रहे थे, काफी 2 या 3 दिन में आने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली 10-15 दिन, आप तो कह सकते हैं 10-15 दिन में, 10-15 दिन में हमारी बाइक रेडी हो जाएगी। बात कर लेते हैं आयुष वर्मा के बारे में। तो उनका भी न्यू वीडियो आउट हो चुका है, जहाँ पे उन्होंने ओल्ड वर्ना वर्सेस न्यू वर्ना का एक रिव्यू वीडियो बनाया है। आपको मिल जाएंगी 2023 जनरेशन वाली वर्ना और उससे जस्ट पहले वाली वर्ना। तो लुक तो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा लुक है। इनकी जो नई इलेक्ट्रिक कार आ रही है आइनिक, थोड़ा वैसा आपको मिल जाएगा। और जितनी भी अब नई कार आ रही है Hyundai की, सब में आपको यही डिज़ाइन लैंग्वेज दिखने वाली है। बाकी ये रही पहले वाली वरना, आप इसको भी देख सकते हो। तो जो मेन हेडलाइट्स थी वो नीचे शिफ्ट कर दी गई हैं, तो हेडलाइट्स यहाँ पर आ गई हैं।
देख सकते हो कितनी डिफरेंट लग रही है, कितनी प्रीमियम लग रही है। जो कार का स्टैंड है वही पूरा चेंज कर दिया गया है, डिजाइन में एक एक चीज चेंज की है पर्टिकुलरली ह्यूंडई ने, और ह्यूंडई जो भी अपडेट देता है पूरा ही चेंज कर देता है। तो भाइयों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट मोटो व्लॉगिंग अपडेट्स। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।